नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर देश के साथ राज्य में बवाल हुआ। पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थिति बेकाबू हो गई। कोलकाता, हैदराबाद, मुरादाबाद में लाठीचार्ज, सहारनपुर, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और बिहार में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अटाला इलाके में प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। वहीं सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर प्रयागराज के अटाला इलाके में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रयागराज के एडीजी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। एडीजी विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मैदान पर थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मियों पर पथराव हो रहा है। पीएससी के वाहन तक को निशाना बनाकर उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रयागराज को छोड़कर बाकी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है। उधर शासन ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। उधर उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बवाल करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज के बाद आपको झारखंड की रांची की तस्वीरें दिखाते हैं। रांची में भी जुमे की नमाज के बाद जमकर पथराव, बवाल और आगजनी हुई। खबरों की माने तो यहां हनुमान मंदिर में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस टीम पर पथराव हुआ और जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ, जिसकी तस्वीर एक कैमरे में कैद हुई है। सड़क पर समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। आपको देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की भी तस्वीर दिखाते हैं। कैमरे में कैद तस्वीरों को देखिए। ये नज़ारा जामा मस्जिद इलाके का है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ भी प्रदर्शन हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया, लोगों को हटा दिया गया। उधर जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, न ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। शाही इमाम ने कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे आखिर में आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार के आरा और नवादा में समुदाय विशेष के लोगों ने नारेबाजी, प्रदर्शन और पुतला फूंका। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर खूब हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। ऐसे ही देश के 7 राज्यों में प्रदर्शन की खबरें दिन भर आई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ।